आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। पुलिस बनकर दो व्यक्तियों ने खरीदारी करने आए सिद्धार्थ नगर के व्यवसायी से कोतवाली थाना क्षेत्र में की 80,000 की टप्पेबाजी। SPCT ने कहा CCTV के माध्यम से की जा रही है टप्पेबाजों की शिनाख्त, लगाई गई है चार टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को अपहर्ता के साथ बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में रविवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,429। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 11 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जनपद के 41 केंद्रों पर रविवार को संपन्न हुई जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक चयन की परीक्षा, 15,970 परीक्षार्थी हुए शामिल, जबकि 3,590 ने छोड़ी परीक्षा, सुचिता के रहे व्यापक प्रबंध। हीमोफीलिया सोसाइटी एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में संचालित हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर का CMO ने किया उद्घाटन, कहा हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों का हो सकेगा बेहतर इलाज। देश के आजादी का 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिक आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को किया गया सम्मानित। इंजीनियर PK मल ने कहा आजादी के 75वें महोत्सव के असली हकदार हैं वरिष्ठ नागरिक। रविवार को संपन्न हुआ पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज फेडरेशन गोरखपुर यूनिट का 8वां त्रैवार्षिक सम्मेलन, चुने गए नए पदाधिकारी, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर की गई चर्चा, बनी रणनीति। रुस्तमपुर स्थित एक संस्थान के तत्वाधान में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से किया रक्तदान, कहा रक्तदान है महादान। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प के तत्वाधान में 19 अक्टूबर को गरीब, बच्चे, असहाय, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए किया गया है निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा परामर्श के साथ ऑपरेशन की भी सुविधा रहेगी निःशुल्क। और रविवार को दोपहर के बाद अचानक हुई झमाझम बारिश, एरियम फाइनेंस ने कहा मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन तक छिटपुट बारिश के हैं आसार।